नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये पुनः टारसन्स प्रोडक्ट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, इस स्टॉक का प्राइस आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड फाइनली एक रिवर्सल सेटअप क्रिएट किया है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस का कैरेक्टर है, प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा अप ट्रेंड चैनल, नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल एंड कंसोलिडेशन करता है, तो फ्लावर चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एग्जाम्पल देखिए, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे टॉप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था। इस दोनों ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। इसी रेंज का अपर बाउंड्री के आसपास जब भी गया है प्राइस को देखिए, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है और लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है एंड फाइनली प्राइस के लिए यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चैनल था ना, उसी रेंज को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद बॉटम में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है डबल बॉटम पैटर्न। जैसे कि हम प्रीवियसली भी कवर किए हैं, जब भी स्टॉक का प्राइस आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नियरली बॉटम के आसपास डबल बॉटम कंस्ट्रक्शन करता है और उसका नेकलाइन को ब्रेकआउट कर लेता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि उसी ट्रेंड का रिवर्सल आ जाता है। जैसे कि देखिए, स्टॉक का प्राइस यहां पे एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड फाइनली बॉटम में देखिए प्राइस कंस्ट्रक्ट किया है एक डबल बॉटम पैटर्न। ए हो गया बॉटम वन, ए हो गया बॉटम टू एंड ए लेवल था उसका नेकलाइन जो कि डबल बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन लेवल, एंड उस लेवल को देखिए प्राइस यहां पे ब्रेकआउट कर दिया है जो कि लेवल था नियरली 476 के आसपास। और यहाँ पे इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के बाद जो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे था एक्टिवेट हो गया है और जिस टाइप का अभी रिवर्सल सेटअप शो कर रहा है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस टेस्ट कर सकता है 650। पहला टारगेट बनेगा 650 का और जो सेकंड टारगेट यहाँ पे बनेगा वो बनेगा लाइफ हाई 915। प्रोबेबिलिटी हाई है कि 915 एंड इस लेवल को 650, इस दोनों टारगेट को प्राइस टेस्ट कर सकता है। उसके साथ यहाँ पे FI का बाइंग भी देखने को मिला है जो कि आगे हम कवर करेंगे। इसी केस में जो डबल बॉटम पैटर्न का जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, जो पैटर्न बना है बॉटम टू का लो, जो बॉटम टू यहाँ पे बना है बिलो 389, अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 389 लेवल को ब्रेक कर लेता है, उसी केस में प्राइस जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट किया है डबल बॉटम पैटर्न वो फेल हो जाएगा, नहीं तो आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, देखिए सेल्स तो ग्रो किया है लेकिन जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कर रहे हैं 47%, FI यहाँ पे 2% शेयर होल्डिंग इंक्रीज किए हैं 8.16% होल्ड कर रहे हैं एंड पब्लिक के पास माल 44.36%, उसमें से लगभग यहाँ पे 28% होल्ड कर रहे हैं बिग इन्वेस्टर। 44 पब्लिक कैटेगरी में -28 यहाँ पे बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं, तो रिटेल पब्लिक के पास माल है 16% जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं एंड यहाँ पे तो रिटेल होल्ड कर रहे हैं ओनली 16%। एंड यहाँ पे प्राइस जिस टाइप का डबल बॉटम पैटर्न कंस्ट्रक्शन किया है तो यहाँ पे प्राइस को तो आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए बॉटम टू एक्टाज एग्जिट पॉइंट। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।